मानू मैं तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है बालवीर। बालवीर बल्लू कहाँ है? बल्लू भी ठीक है ना? हाँ मैं बल्लू एकदम ठीक है, वो दूसरी तरफ भाग गया है। पर अब तुम सब बच्चे अपने घर जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर, जाओ। अगर भयंकर परी मेरा साथ जाने के लिए मानो और मेहर को चोट पहुंचा सकती है, तो वो सच जानने के बाद मेरे साथ साथ पूरे सात सच्चों के परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। रानी परी ने सही कहा था, मेरा सात सच्चों के परिवार के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। बच्चों क्या कर रहे हो? सॉरी पापा, आप ठीक तो है ना? ए बल्लू बेटा, तू क्यों नहीं खेल रहा है? और घड़ी को क्या देख रहा है? अरे उसमें 8 बजे हैं, लेकिन तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे स्कूल से आया है तभी से घड़ी के सामने बैठा है। अब कैसे बताऊं आप लोगों को कि ये घड़ी कुछ ही पलों में मेरा आप सबसे बिछड़ने का समय दिखाने वाली है। साला मैं तो साहब बन गया, ओए चचा, साहब बन के कैसा तन गया, चचा, ओए चचा, हेलो आप कौन है? बच्चों आप कौन है? चचा मेरे नहीं मोटा भाई के नहीं है तो फिर मेरे भी चाचा नहीं है माँ। मेरे तो ऊपर। अरे मैं बल्लू का चाचा हूँ। ये बल्लू, बल्लू, ए बल्लू, मैं तेरा चाचा पैदल नहीं गया। हाँ गमचल, ये गमचल। नहीं करे बैठो। वैसे चाचा जी आप कुछ अलग लग रहे हैं आज। हाँ एकदम मेंटल मैन लग रहे हो। दादी मेंटल मैन नहीं जेंटलमैन, वही सेम टू सेम है ना? वैसे आप कैसे आए? ओ दुबई मुझे बहुत बड़ा काम मिला है, बहुत बड़ा। हाँ चाय बनाने का। मैं दुबई जा ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने साथ बल्लू को हमेशा हमेशा के लिए दुबई ले जाने आया हूँ। बल्लू तुम ही बालवीर हो, ये जानने के बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे तो कर रही थी क्या किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार? क्या क्यों नहीं उसी समय ही वार? क्योंकि मैं बालवीर पर नहीं बल्लू पर वार करना चाहती। बल्लू के रूप में वो शक्तिहीन होता है और ये वार मैं पूरी तैयारी के साथ करना चाहती हूँ ताकि उसे बचने का कोई मौका ही ना मिले। एक ही वार में उसकी कहानी खत्म। और ऐसा करने के लिए
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तौबा तौबा। मेरी मदद? क्यों? मैं तो नकारा। बेवकूफ, बेअकल। है नहीं आपको मेरी जरूरत। अब नहीं रहूंगा मैं यहाँ इस भयानक लोग में। जा रहा हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो तौबा तौबा? पहली बार जिंदगी में तुमने कोई अच्छा काम किया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमेशा हमेशा करता हूँ मैं सही काम, पर है नहीं विश्वास आपको मुझ पे। अब नहीं रहूंगा मैं इस भयानक लोग में। जा रहा हूँ मैं। तौबा तौबा। बस बस हुआ बहुत। तौबा 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 तौबा। कहना आज से सिर्फ मुझे श्री श्री तौबा तौबा जी, वरना समझ लीजिए आज से कर ली मैंने आपसे तौबा तौबा। जा रहा हूँ मैं। तौबा तौबा। श्री श्री तौबा तौबा जी, रुक जाइए श्री श्री तौबा तौबा। भूल गई आप जी लगाना। तौबा तौबा जी, भूल गई आप अब श्री लगाना। और कहना जरा प्यार से, वरना जा रहा हूं मैं। रुको। श्री श्री तौबा तौबा जी। रुक जाता मैं यहाँ पर क्या फायदा यहाँ पर रुककर, जब है ही नहीं कोई मेरी इज्जत यहाँ। जा रहा हूं मैं। रुक क्यों नहीं रही मुझे परी भयंकर? नहीं आऊंगा कभी अगर नहीं रोका आपने मुझे। अरे सुना कि नहीं आपने? आऊंगा नहीं मैं कभी। जा रहा हूं मैं। जानता ही था मैं नहीं जाने देगी आप अपने प्रधान को। हाँ हाँ श्री श्री तौबा तौबा जी, अभी तो हमें बहुत सारे काम साथ में करने हैं। बालवीर और बल्लू का खात्मा करना है, बदला लेना है उन परियों और परीलोक से, छीननी है खुशियां सारे सच्चे और अच्छे बच्चों की। हाँ हाँ है ठीक, रुक जाता हूँ मैं। है नहीं जरूरत ऐसे हाथ जोड़ने की और मेरे पैर पे से गिड़गिड़ा के माफी मांगने की। अब अगर तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया हो तो सुनो मेरी योजना। बालवीर को बल्लू के रूप में खत्म करने की। लेकिन आप ऐसे कैसे बल्लू को लेके जा सकते हैं? मतलब बल्लू यहाँ खुश नहीं है क्या? नहीं नहीं, बल्लू तो बहुत खुश है, है ना बल्लू? लेकिन क्या करे, मजबूरी है, ऊपर से आदेश है रानी। तो इंटरनेशनल होटल का। अच्छा होटल वालों का? ये बच्चे से वहाँ होटल में काम करवाओगे? नहीं नहीं, काम तो मैं ही करूंगा। बल्लू तो मेरी जान है, उसके सिवा मेरा है ही कौन। लेकिन पिछली बार तो आप कह रहे थे कि आपकी पत्नी है गांव में। ऐसा कहा था मैंने? बल्लू ये चाची भी ना, उन्होंने कहा होगा कि मैं उनके साथ दुबे चलूं। बहुत प्यार करती है ना मुझसे। तो क्या हम तुझे प्यार नहीं करते बल्लू? नहीं नहीं मानो, यहाँ सब मुझसे प्यार करते हैं। तो फिर क्यों जा रहा है तू? मना कर देना अपने चाचा को। अब तुम रुको, मैं मना करता हूँ। चाचा जी, चाचा जी। एक मिनट, बोल बेटा। चाचा जी आप प्लीज बल्लू को मत लेके जाइए, क्योंकि अगर आप बल्लू को लेके गए तो हम लोग सिर्फ 3 लोग बचेंगे।
और तीन लोगों में टीम कैसे डिवाइड होगी? अरे तू एक ही टीम के बराबर है। देखिए चाचा जी, एक मिनट, इधर इधर इधर, धीरे से धीरे से। बोलो। देखिए चाचा जी, भाई साहब, बल्लू अब हमारी जिम्मेदारी है। वैसे भी ये जिम्मेदारी आप ही ने हमें सौंपी थी। हाँ, लेकिन तब जब मैं इसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया है दुबई जाने का। वहां मैं इसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। लेकिन चाचा जी, हम भी तो बल्लू का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। बल्लू बेटा, तू ही कुछ बोलना। ये बल्लू लल्लू ही कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे तो लगता है बल्लू लल्लू खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहता है। नहीं, मेहर में तो चाचा जी, हम बल्लू को अपने से दूर नहीं होने देंगे। नहीं मतलब आप सब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि बल्लू को यहाँ से भी वहाँ बेहतर पढ़ाई मिलेगी, और न जाने बल्लू वहाँ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। क्यों, आप नहीं चाहते बल्लू आगे बढ़े? चाचा, क्या सच में वहाँ बड़े बड़े खिलौने, बड़े बड़े स्कूल, बड़ी खेलने की जगह, बड़े बड़े कमरे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ? हाँ बालवीर। भी होगा वहाँ। बालवीर तो हर जगह होता है, है ना? तो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? पापा, माँ, दादी, बल्लू लल्लू खबरदार, अगर तूने जाने की जिद की तो मैं तुझे पीट दूंगी। अंकल प्लीज, इसे मत ले जाइए। प्लीज इसे मत ले जाइए। मत ले जाइए ना इसे, प्लीज प्लीज। बच्चों बच्चों, बेटा रुको। देखिए भाई साहब, हमने कभी मानव मेहर और बल्लू में भेदभाव नहीं रखा। हम तो चाहते हैं कि तीनों अच्छी जिंदगी जिए, और आज जब बल्लू को जिंदगी मौका दे रही है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले है? मुझे पता है आप सब नहीं चाहते कि मैं आप सबसे दूर जाऊं। मैं भी नहीं चाहता यहाँ से जाना, पर क्या करूं, मुझे भयंकर परी की वजह से जाना ही पड़ेगा। आप सब मुझे माफ कर देना, आप लोगों का दिल दुखाने के लिए। बताइए भाई साहब, कब जाना है? अभी उड़ेंगे। हाँ? अभी यहाँ से जाएंगे, फिर कल उड़ेंगे, मतलब कल शाम की फ्लाइट है। चाचा जी, अगर फ्लाइट कल शाम की है तो आज बल्लू को हमारे साथ रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता चाचा जी, प्लीज, सिर्फ आज की बात है। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, आज इसे रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं बच्चों, बेटा रॉकी, क्या है कि इसे दूर जाना होता है ना तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है ना, तो बल्लू को जाना। बल्लू चलो, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। Thank you.
बल्लू मैं क्या कह रही थी, तेरे कुछ कपड़े मैं यही रख लेती हूँ, हाँ हो सकता है तू कभी हमसे मिलने आए तो। मिलने आएगा ना बल्लू? देख बल्लू वहां जाके गायब मत हो जाना, तेरी गायब होने की बहुत आदत है, अब तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो रहा। बल्लू बल्लू तू मेरे सारे खिलौने ले ले, ले ले तू। बल्लू तुम मेरे सारे खिलौने ले लो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। मेरा टिफिन बॉक्स भी, मेरा पेन भी, यहाँ तक कि तुम मेरे बेड पर भी अकेले सो सकते हो, मैं नीचे सो जाऊंगा, पर प्लीज तुम मत जाओ। रहने दे मानव। जब ये बल्लू लल्लू यहाँ नहीं रहना चाहता तो फिर इसे रोकना क्यों? अरे इसे तो दुबई में बड़े बड़े स्कूल्स, बड़ी गेम्स और हमसे भी अच्छे लोग मिलेंगे ना। देख नहीं रहा था कितनी खुशी थी इसके चेहरे में दुबई जाने के लिए। मेहर, मेहर तुम मुझसे नाराज हो गया? मानव रॉकी चाचू अगर अब बल्लू को रोकने की कोशिश की तो पीट दूंगी। बल्लू तुम्हारा बैग खो गया। चलो बल्लू। मुझे मालूम है कि उसे दुबई जाकर अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है उसे हमारे बगैर भी अच्छा नहीं लगेगा। रानी परी उसे जाने से रोक लो, रानी परी प्लीज उसे रोक लो। आप हर बार मेरी विश पूरी करती हो ना, इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी ये विश जरूर पूरी करेंगी। करेंगी ना रानी परी? करेंगी ना? करेंगी ना रानी परी? देखिए ना रानी परी, बेचारी मैं बल्लू के जाने से कितनी दुखी है। हाँ रानी परी, बल्लू के जाने के बाद बच्चे बहुत रोएंगे और बच्चों को रोता हुआ हम कैसे देख सकते हैं रानी परी? रानी परी ये पूरा परिवार उदास हो जाएगा बल्लू के बिना। क्या हम उनकी उदासी दूर नहीं कर सकते रानी परी? मेरी तो खुद की आंखों में आंसू आ रहे हैं रानी परी ये सब देखकर। रानी परी कि हम सब परियों की विनती है आपसे, क्या हम बल्लू का उस परिवार को छोड़कर जाना रोक नहीं सकते?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.